हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज हम बात करेंगे डेल्टा कॉरपोरेशन के बारे में। डेल्टा कॉरपोरेशन को जो हाल फिलहाल में नोटिस मिला है जीएसटी की तरफ से 17,000 करोड़ के आसपास, जिसको डेल्टा कॉरपोरेशन ने सेवी को भी बताया है, एंड सॉरी जिसको डेल्टा कॉरपोरेशन स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया है। तो अब ये क्या होगा इस स्टॉक्स में, वो तो आगे की बात रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, देयर इज नो एनी रिकमेंडेशन टू बाय सेल एनी शेयर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए, सीधी सी बात बताऊँ, क्योंकि इस स्टॉक से निकलने में भलाई है। बिकॉज जहाँ पर इस टाइप के इनकम टैक्स जीएसटी के लोचे लंगड़े पंग गए हैं, वहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपनी को। बिकॉज इवन कंपनी ने बोला है कि हम रूल्स रेगुलेशन से चलेंगे, जो भी कुछ फाइट होगी लीगल नॉर्म्स में वो करेंगे, बट एक लंबा समय लगेगा। उस लंबे समय का रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होने वाला है। बिकॉज जिस कंपनी की मार्केट कैप ही 6,500-4,500 करोड़ के आसपास हो, 4,700 करोड़, और उस कंपनी ने पिछले 2017 से अगर हम देखें ना, तो टोटल जी रेवेन्यू 3,500 करोड़ के आसपास आएगी। सेल्स 3669 करोड़ की सेल्स की है, नेट प्रॉफिट उससे कम हुआ है। 3600 करोड़ की इनकी सेल्स के ऊपर 17,000 करोड़ का टैक्स निकाल दिया। कैसे निकाल दिया वो ही बताऊंगा कैसे निकाला है, बट ये वाजिब नहीं होता है कहीं से भी। आई डोंट नो कि क्या कैलकुलेशन है, टैक्स की कैलकुलेशन बहुत इसीलिए तो गड़बड़ बोलते, तभी कई सारे लोग इंडिया से फॉरेन शिफ्ट भी हो रहे हैं। यहाँ की टैक्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई को समझ में नहीं आता है। तो इस कंपनी को भी पता नहीं क्या हो गया, आप जो देखेंगे अपना। जबकि आप ये देखिए 2016 से लेके 2022 तक की ऑडिट हुई है, ऑडिट ऑडिटर ने की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बैलेंस शीट गई होंगी, ऐसा नहीं इतनी बड़ी कम वहाँ पे भी वेरीफाइड हुई होंगी। एकदम अचानक आ गए कि भैया आपको इतना 17,000 करोड़ देना है तो कैसे देंगे। सो यहाँ पे यही है कि आप इस शेयर से निकल जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कल 20% के नीचे भी निकल जाए तो भी निकलने में फ़ायदा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक जो जाएगा बिलो 100 के नीचे भी जाएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। क्योंकि तभी मैं बोलता हूँ ना कि कोई स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, कि अगर आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन भी होगा ना तो पूरा 5% ही डाउन होगा, 5% पैसा जाएगा। अगर 100 रुपये भी लगाए, 100 रुपये में से 5 रुपये भी लगाए ना, तो 5 ही रुपये का लॉस होगा, पूरा नहीं करेगा। किसी ने 50 रुपये लगा दिए होंगे तो 50% लगा दिए तो फंस जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इस शेयर से निकल जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जीएसटी इस तरह से कैलकुलेशन की होगी, बेसिकली कैलकुलेशन ऐसे कंपनी ने ऐसे किया होगा, कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये किसी को बेट खिलाई, खेल खिलाया, उसमें 10 रुपये अपना कमीशन ले लिया, 90 रुपये जहाँ पे भी जिस कंपनी को जाना होगा, जो जिस व्यक्ति को जाना होगा उसको चला गया होगा, 10 रुपये पे कंपनी ने जीएसटी जो पहले 18% था, 18% 1.80 रुपये भर दिया होगा। अब ये बोल रहा है कि उसका शॉर्टफॉल है, पूरा नहीं है, शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं 17,000 करोड़ की। और अगर टोटल जीएसटी निकाला जाए तो सिर्फ मतलब 10% 17,000 करोड़ है, और बाकी का कितना है डोंट नो। तो इन्होंने ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कैलकुलेट किया कि अगर आपने 100 रुपये का गेम खिलाया है तो आपको वहाँ पे 18% लेना, मतलब 118 रुपये लेना था और उसको 118 रुपये को देना था, जबकि कैलकुलेशन इस होना चाहिए कि 100 रुपये में से 10 रुपये कंपनी ने कमाई है, वहाँ पर 18% देना था। तो शायद यहीं का गेम हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन कुछ बनी है, बिगड़ी है। अब जीएसटी वालों ने भी सोच समझ के दिया होगा, इन्होंने भी टैक्स पे किया हो, वो भी सोच समझ के दिया हो, क्योंकि ऑडिटर ने साइन किया, ऑडिटर पिछले 6-7 साल से ही सब कुछ चल रहा है, पिछला भी चला होगा, तब जीएसटी नहीं था, तब तो बैड था वैल्यूएटेड टैक्स, तब था कि नहीं था वो राम जाने, बट क्या ये प्रॉब्लम तो है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से अभी निकल जाने में भलाई है, और आगे क्या कंडीशन बनती है तब देखा जाएगा। बिकॉज कंपनी की नो डाउट कंपनी की अभी अभी हालत ख़राब हो चुकी है। 6,700 करोड़ वाली कंपनी को 17,000 करोड़ का नोटिस आना मेरे हिसाब से कहीं से भी वाजिब नहीं बैठता है। ऑडिटर भी फंसेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि ऑर्डर बच जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर भी तो कंपनी भी ऑडिटरों पर डिपेंड करती है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, 6 साल से हो गया, और जीएसटी वाले को बताया हुआ, ऐसा नहीं होगा सर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में डायरेक्ट क्लियरिटी दी है कि आपको कुछ नहीं सोचना है, निकल जाना है, जितना भी लॉस हो उतना निकल जाने में फायदा है, क्योंकि लॉस और भी हो सकता है। सो फिर भी आज लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ से है, आपको बेचना है खरीदना है आप अपना ड्यूलेंस अवश्य करें, मेरे हिसाब से तो यही सही है। सो तब तक अपना अपने पोर्टफोलियो को ध्यान रखिए। बाय बाय।